आते हैं हम लोग चाय पीते हैं, अभी चलेगा। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आज है मेरी एनिवर्सरी। सो आज के दिन हम लोग दर्शन करने जाएंगे तिरुपति बालाजी, और सुबह उठ के अभी मुंह भी नहीं धोया, सबका फोन कॉल्स आ रहा है। तो मम्मी पापा भी उस रूम में से लेकर के चाय पीने जा रहे थे, मम्मी का पायल का आवाज सुन के मैंने डोर खोल दिया। सो अभी सब किसी के विशेष आ ही रहे हैं। सो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये बहुत स्पेशल है मेरा, क्योंकि बालाजी का दर्शन हो रहा है मेरी एनिवर्सरी पे, क्योंकि सबको नसीब नहीं होता यार बालाजी, क्योंकि बुलावा आता है तभी आदमी जाता है। सो मैं बहुत हैप्पी हूँ उस चीज़ के लिए। सो फटाफट फ्रेश होते हैं हम लोग, 12 बजे निकल जाएंगे, 4 बजे का दर्शन का हमारा टाइम है। सो अभी हम लोग फ्रेश होंगे, नहाएंगे, अभी पहले चाय पीने जा रहा है। सो आ गए हम लोग चाय का टपड़ी पे चाय पीने के लिए। पापा मेरे को ऑफर कर रहे हैं कॉफी का, कहानी है हम लोग का कॉफी या चाय का, वो स्टोरी मैं बाद में बताऊंगा आप लोग को। सो हम लोग चाय पीने आ गए। हाँ एक ले सकता हूँ। नहा लिया हूँ, और नहा लिया मतलब सिर्फ नहाए हैं, रेडी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी सिंकू कॉल अटेंड करेंगे, अभी उन्होंने नाश्ता करके आते हैं। सो नाश्ता करने के आने के बाद सिंकू अपना कॉल अटेंड करेंगे, उसके बाद फिर मैं जो साड़ी वाड़ी है आलता वालता मैं सब लगा लूँगा, और 12 बजे हम निकलेंगे। फिर बाल ड्राई नहीं करते, ऐसे ड्राई हो जाएगा, चाहते हैं कुछ बाहर खाने, सिंदूर लगा लूँ। सो हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, यहाँ से ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। सो फिर रेडी होंगे और फिर फिर बालाजी के पास जाएंगे। सो फिर ब्रेकफास्ट में हम लोग ले रहे हैं इडली और डोसा, और फिर यहाँ से खा के निकलेंगे फिर। और ये आंटी जो बना रही है, मेरा हाल तक लग गया है। अब मैं जाके थोड़ा साड़ी वाड़ी पहन लेती हूँ, क्योंकि सिंकू अभी ऑफिस से कॉल पे हैं, और जैसे वो निकलेंगे हम लोग को वहाँ बालाजी के लिए निकलना पड़ेगा। सो फिर मेरा टाइम लगेगा, ये आलता लाना था, क्या एनिवर्सरी तो आलता तो बनता है ना, मैं लेके आया था बैग में उसको, पायल भी लेके आया हूँ, सब कुछ लेके आया, टिप टॉप ललन टॉप रेडी हो जाऊँगा मैं। सो अभी फटाफट साड़ी पहन लेता हूँ, फिर रेडी होके मिलता हूँ आपसे। सिंपल रखा हूँ अपना, कि बहुत वहाँ लाइन होने वाली है, बहुत गर्मी लगेगा। और यहाँ पापा और सिंकू को देखो, साउथ इंडियन वो गजनी लग रहा है ना, वाइट नहीं, वो रजनीकांत का जो मूवी नहीं है, इंजीनियर वाला कॉलेज वाला। ये मम्मी आप ले जाइए, तो देखे साथ में तो ऊपर जगह सिंकू इधर आउट साइड में। लुंगी डांस होटल भी चेकआउट करना है। टाटा, सारे सामान ले लिया, चाबी है सिंकू वहाँ पे की है। जी के पास हम लोग जाने से पहले, यहाँ गणपति जी का टेम्पल है, तो यहाँ पे हम लोग आए हैं पहले, और यहाँ पर दर्शन करेंगे। सो अब हम लोग आ गए हैं स्पेशल दर्शन, जो 300 में हम लोग का बुक हुआ है, तो हम लोग उसका लाइन लगाने जा रहे हैं। मतलब उतना लाइन नहीं रहेगा, बट हाँ लाइन रहेगा यार, लंबा चक्कर आ गया ऐसे ऐसे राउंड राउंड घूम घूम के। सो यहाँ पे हम लोग गाड़ी ड्रॉप कर दिया है, अब हम लोग निकलेंगे स्पेशल दर्शन। सो यहाँ पे आके
सबका फोन जमा हो रहा था, कोई फोन अंदर नहीं ले जा सकता था मंदिर का, सो इसीलिए मैं आगे का वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। शाम को दर्शन करने के बाद मैंने फोन मिला तो बाहर का वीडियो रिकॉर्ड किया। ఆ భక్తి అనే హస్తములతో ఆ పరమాత్మ యొక్క పాదాలను కనుక ఆశ్రయించారు। दर्शन कर लिए थे और उसके बाद हम लोग होटल आए, चेकआउट किए। चेकआउट तो कर चुके थे बट जो सामान रखे हुए थे ना, फिर साड़ी चेंज करके और दस फिर हम लोग निकल के, हमारा 9:30 का ट्रेन है। तो अभी हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं, सुबह से हम लोग डोसा खाए हुए हैं, बहुत तेज़ी भूख लगी है, बट पहले खाना खा लेते हैं, बहुत तेज़ी भूख लगी है। और यहाँ पे ससुर और दामाद लगे हुए हैं बेड ठीक करने के लिए। हमारे मम्मी सो चुके हैं नीचे, मम्मी नीचे हैं, मैं मिडिल में हूँ, सिंकू आएंगे ऊपर और यहाँ पापा आएंगे। सो खाना पीना हो गया हमारा। से हाय माय यूट्यूब फैमिली। सो फाइनली हम लोग आ गए हैं तिरुपति बालाजी से वापस बैंगलोर। सो वहाँ का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। मतलब मेरी एनिवर्सरी पे मुझे बालाजी का दर्शन हो जाएगा, इससे बड़ी बात क्या है। क्योंकि वहाँ पे आपको बुलावा आता है तभी आप जाते हो, ऐसे आप नहीं जा सकते हो। क्योंकि मेरी मम्मी का 3-3 बार टिकट हो गया था बट किसी ना किसी रीज़न से वो जा नहीं पाई, और 4th टाइम मेरे एनिवर्सरी पे उनको ये सौभाग्य बोल सकते हो कि हम लोग सबको ही जाके दर्शन किया, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। तो जो हम लोग गलती किए थे, क्या हुआ था कि हम लोग जैसे वहाँ पे जो तिरुपति तिरुमला बालाजी के पास है ना, वहाँ पे आपको वहाँ से रूम्स मिलते हैं आपको, मतलब जो CRO ऑफिस है ना वहाँ पे आपको लाइन लगा के आपको रूम अलॉट किया जाएगा। रूम का चार्ज 50-100 रुपीस रहता है। तो फिर हम लोग रूम देखे नहीं थे कि हम लोग को आइडिया नहीं था रूम का, और सिंकू होटल को क्या बोलते हैं, OIB से होटल बुक किए हुए थे, मतलब स्टेशन के पास, तिरुपति स्टेशन के पास, तो उनको पता नहीं था कि होटल बुक किए हैं। तो हम लोग क्या किए थे, स्टेशन के पास से ही हम लोग बस लेके ऊपर चले गए थे तिरुमला, मतलब वहाँ पे ऊपर पहाड़ पे जहाँ पे हैं वो। सो हम लोग को बाद में फिर हम लोग लाइन लगाए CRO ऑफिस के पास जाके, तो फिर सिंकू को मैसेज आया कि उन्होंने होटल बुक किया हुआ, तब हम लोग को फिर पता चला कि हम लोग होटल बुक किया। फिर वापस हम लोग पहाड़ से नीचे आए स्टेशन के पास, उसके बाद हम लोगों ने अपना मतलब जो होटल था वहाँ पे लिए। फिर नेक्स्ट डे हम लोग अपने एनिवर्सरी वाले दिन 12 बजे, हम लोग को 4 बजे का दर्शन था, तो हम लोगों ने स्पेशल टिकट लिया था 300 का। सपोज़ कोई भी सोचता है ना कि तिरुपति, हाँ तिरुपति निकल जाते हैं दर्शन हो जाएगा, दर्शन आप सोचो कि कोई भी टेंपल की तरह आप निकलोगे और आपको दर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ बहुत लाइन रहती है। हम लोग 3 महीने पहले टिकट कराए थे स्पेशल बुकिंग, जो तिरुपति तिरुमला एक साइट है उनका बालाजी का, वहाँ से हम लोग 3 महीने पहले टिकट कराए थे। सो हम लोग को 300 टिकट का पड़ा था। अलग अलग वो है, क्या बोलते हैं, चार्जेस हैं आपको, हम लोग स्पेशल फ्री वाले भी हैं, और मतलब फ्री वाले का दर्शन होगा बट नो डाउट, मतलब बहुत घंटे उनको लाइन में लगी है, मतलब हम लोग 300 देके हम लोग 4-5 घंटा लाइन में बोल सकते हो, हम लोग ने थे लाइन में हम लोग। सो आप लोग कभी भी जाना तो अभी प्लीज़ टिकट कराना, ऐसे ही नहीं कि उठ के चले जाना, वरना वो दर्शन नहीं हो पाएगा आपको नॉर्मल भगवान जी की तरह। तो हम लोग लाइन में खड़े खड़े, बहुत लंबी लाइन थी, और मतलब फोन एयरपोर्ट से ज़्यादा सिक्योरिटी है वहाँ पे यार, मतलब फर्स्ट टाइम हमारा चेकिंग हुआ तो कितने लोगों ने फ़ोन छुपा छुपा के लेके चले गए थे, मतलब किसी को पता नहीं होगा। इवन मैं भी यही बोल रही थी कि सब तो लेके जा रहे थे, मैं भी फ़ोन लेके चले जाऊँगी, बट एयरपोर्ट से ज़्यादा सिक्योरिटी वहाँ पे है, मतलब 3 फेज आपको करना पड़ेगा, देन आप जा सकते हो, चेकिंग खत्म होगा। सो फर्स्ट टाइम में मैंने अपना फ़ोन जमा कर दिया था, फिर सेकंड टाइम में जिन लोग का रह गया था वो सेकंड टाइम में हुआ, फिर थर्ड टाइम में हुआ, तो फ़ोन तो ले जाना एकदम जीरो है, मतलब वो कोई चांस नहीं है फ़ोन उन लेके जा सकते हो, सो दैट उनका रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने, मेरा पहला ही रिकॉर्डिंग था, बीच का ब्लैंक था, फिर मैंने रिकॉर्डिंग लिया जब मैंने फ़ोन लिया। तो फ़ोन जमा होकर हम लोग गए, तो हम लोग 4-5 घंटा हम लोग लाइन में खड़े बैठे थे, सोए थे, मतलब लेट गए थे,
बहुत लंबा था, होप हार गए थे कि दर्शन होगा, इतना घंटा लाइन में खड़े करे, बट लिटरली जब हम लोग जब दर्शन के टाइम में आए थे ना, वहाँ पे इतनी क्राउड हो गई, जो मेन मंदिर था वहाँ पे जो बालाजी का, अब लगता है अब चल नहीं रहते, आपको पीछे से पुश किया जा रहा था, जैसे गिरोगे ना कोई आपके ऊपर चढ़ जाएगा, इतना क्राउड था। हमको लगा ही नहीं कि हमको दर्शन अच्छे से हो पाएगा बालाजी का। तो क्या हुआ था, दो दो करके लाइन जा रहा था, तो हम इस वाली लाइन में थे, तो हम फिर जब बालाजी के मंदिर में हमने जो एंटर किया, तो बालाजी हमको लगा इधर से दिखाई दे रहे होंगे भगवान जी, तो जा हम लोग का लाइन इधर से देख नहीं पाएंगे, बट जाके कैसे भी करके सामने जो बालाजी है वहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन कर दे रहा, सो दैट आप बालाजी को अच्छे से दर्शन दे पाओ। सो वहाँ पे आपको एक से दो सेकेंड ही खड़े रहने का मौका मिल रहा है, अदरवाइज हटा दे रहा वहाँ पे। तो एक तो पूरे अंधकार में बैठे हुए हैं बालाजी, और मतलब लाइट कुछ भी नहीं होने, और दिए की रोशनी, मतलब दो तीन दिए होंगे और कुछ नहीं होगा, और दिए की रोशनी में वहाँ पे लाइन में लगे, मतलब आपको एक सेकेंड भी पलक आपको बंद करने का मन नहीं करेगा कि आप मतलब वो दृश्य जो है वो दिख रहे हैं वो आपको मिस ना कर दो। सो मतलब मैंने सोचा नहीं था कभी कि वो साक्षात आपको लग रहा था ना कि आपको देख रहे हैं अंधेरे में बैठ के। अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए सुन के ये। मतलब हर भगवान जी के इस मंदिर में जाते हैं ना तो बोलते हैं ना कि मतलब लगता है स्टैचू है भगवान जी के, आप प्रणाम करके दर्शन आशीर्वाद दे के चले आते हो, बट तिरुपति में आप जाओगे ना तो एक अलग ही वाइब्स आएगी आपको, आपको ऐसा लगेगा कि आपको वो बालाजी बैठ के अंधेरे में देख रहे हैं। ओह गॉड, लिटरली मुझे तो ऐसे ही फील आया, पर्सनली जो जाएगा उसको यही फील आया। और जब मंदिर से जैसे निकले ना, मैं इतना रोई भगवान जी को देख के कि मुझे लगा कि मतलब मैंने भगवान को मिल के आ रही हूँ, अपने आप मेरे आंख से आंसू गिर जा रहा था लेके, मतलब खुशी से बोल सकती हूँ कि मैं बालाजी से मिल के आई हूँ, साक्षात भगवान मेरे को देख रहे थे, मैं बहुत रोया वहाँ पे। फिर वहाँ पे मतलब एक अलग ही खुशी मिल रही थी, इससे अच्छा एनिवर्सरी मेरा हो ही नहीं सकता है। फिर वहाँ पे गए तो वहाँ पे हम लोग एक प्रसाद मिला लड्डू के ना, मतलब जो फ्री का लड्डू प्रसाद है वो मिला हम लोग को छोटा छोटा। उसके बाद हम लोगों ने प्रसाद वाले लाइन में काउंटर पे लड्डू के लिए काउंटर में लाइन लगाया, उसके सबसे लेट हम लोग को हो गया फ़ोन कलेक्ट करने में, फ़ोन बहुत मतलब इतना अमाउंट में फ़ोन वहाँ पर जमा है कि अब एक पल के लिए लगा कि हम लोग का फ़ोन साइलेंट मत करना प्लीज़ आप लोग अभी अपना फ़ोन, क्योंकि हम लोग का बोला ना कि आपका फ़ोन तो मिल ही नहीं रहा है, तो बोला एक बार कॉल करो, कॉल करने से पता चला कि हम लोग का फ़ोन रिंग हुआ, तो ढूंढने लगे हम लोग पागल की तरह फ़ोन ढूंढने, तो प्लीज़ आप फ़ोन जमा कर रहे हो ना तो साइलेंट फ़ोन मत करना। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब इतना क्राउड होने के बाद, इतना देर वेट करने के बाद, मैं तो फैन हो गई हूँ बालाजी की। अगर इतना घंटे वेट करने के बाद भी मुझे पता है इतना घंटा लगता है, फिर भी कल कोई बोलेगा ना बालाजी जाना है तो मैं रेडी हो जाऊँगी, मुझे साक्षात मुझे भगवान मिल गए वहाँ पे। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये मेरा एनिवर्सरी, बहुत बेस्ट था कि मैं बालाजी से मिल के आई। सो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना, एंड प्लीज़ बहुत सारा प्यार देना। सो अभी के लिए बाय बाय।